हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर चेयरपर्सन। आज मेरे साथ है गुरमीत सिंह जी, जानते हैं इनसे इनकी समस्याएं। गुरमीत सिंह जी, आपकी क्या एज है? 35। आप कहाँ से पधारे हैं? मैं हनुमानगढ़ से। आपको क्या क्या समस्याएं थी स्वास्थ्य को लेकर? मैम, मेरे को एसिडिटी और डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और मेरा जो खाना था वो पचता नहीं था, डाइजेशन नहीं होता था। मुंह में छाले थे मोटे मोटे? जी, मुंह में छाले भी थे। आंखें कमजोर थी? हाँ जी, आंखों में गैस इतनी बढ़ जाती थी कि मेरे आंखों में खिंचाव होता था उसका, गैस की वजह से। और सिर को ऐसा लगता था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, चक्कर आते थे। और सांस लेने में इससे परेशानी होती थी? सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, और पेट गुब्बारे की तरह जैसे ऐसे लगता था कि फूला फूला हुआ। तो आपने यहाँ कितने दिन रहे प्राकृतिक चिकित्सालय में, कितने दिन इलाज रहा? अभी टोटल 13 दिन से मेरा इलाज है चल रहा है, जिसमें से एक दो छुट्टी थी, बाकी 10-11 दिन टोटल इलाज चला है मेरा। आपका वजन कितना कम हुआ? मैम, लगभग 4.5-5 किलो वजन कम हुआ मेरा। आपकी जो तकलीफें थी उनमें क्या क्या एक्सपीरियंस किया आपने? मैम, अभी तो मेरे को जलन होती है, ना एसिडिटी है, और ओवरऑल भी ठीक है। अभी पेट का फूलापन भी खत्म है? हाँ जी, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही? नहीं आ रही। अपने आराम से चल फिर रहे हैं? बिल्कुल मैम। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा की कहानी, कि पेशेंट आए, निराश आए और हंसता हुआ जाए। आज ये प्राकृतिक चिकित्सालय से अचानक ही जा रहे हैं, पर इनको सब चीजों में आराम है। तो क्या करते हैं ऐसा प्राकृतिक चिकित्सालय में, जानिए। प्राकृतिक चिकित्सालय में योगा प्राणायाम की कक्षाएं दोनों समय होती है, सुबह 6:45 तो शाम को 5:00। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी साइको काउंसलिंग कि आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक होने के लिए आए हैं। और फिर हमारा कुंजल नेति गरारे, गरम ठंडा से मिट्टी पट्टी पेट पर, आंख पर, एनीमा कैस्ट्रॉयल का, जो कम से कम 1.5 घंटे तक रुकना है, उसके बाद आपका पेट साफ होता है। गरम ठंडा कपिटी स्नान, तो कभी चादर लपेट, तो कभी डीड स्नान, तो कभी अक्षय तर्पण, तो कभी शिरोधारा और कभी मालिश। ये सारे उपचार आपको तरोताजा कर देते हैं, मस्तिष्क को रिजनरेट कर देते हैं। तो आज हमारे सामने गुरमीत सिंह जी बिल्कुल स्वस्थ होके जा रहे हैं। तो आइए, वेलकम एट प्राकृतिक चिकित्सालय। भोजन में थोड़ा सुधार करना है। भोजन में आपको सात्विक आहार और जैविक आहार, जीवंत आहार यानी फल फ्रूट, अभी नाशपति आ रही है, खूब नाशपति खाएं, पपीता खाएं, जौ का दलिया या 6-6 घंटे भिगोकर फिर बनाया जाता है, उबली हुई सब्जी, सलाद, हरी चटनी दोनों समय, लौकी का जूस वंडरफुल। तो आइए हम भी इन चीजों का सेवन करें, अपने जीवन को सफल बनाए, ना कि छोले भटूरे, राजमा, दाल मखानी की ओर जाए। अपनी दादी माँ के, नानी माँ के नुस्खों को प्रधानता दें, वही खाना खाएं, स्वस्थ करें, योग करें, वॉकिंग करें, स्वस्थ रहें। थैंक्स टू ऑल।